हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन, फिट, हेल्दी एंड हैप्पी। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट मैथ्स। मैथ्स का बेटा हम सब्सट्रक्शन ही करेंगे, क्योंकि सब्सट्रक्शन हमारा जस्ट खत्म हुआ, तो इसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी, आप उनको सॉल्व करिएगा और वी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, जो भी आपने अभी नहीं किया है, आपके पास टाइम है, अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक में एग्जाम्स है, बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, ट्राई टू लर्न द चैप्टर्स, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, उसकी आप पूरी अच्छे से रिवीजन करेंगे। फॉर द टाइम लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ओके, मैंने डेट डाली है मैथ्स रिवीजन। रिवीजन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं सब्सट्रैक्शन का रिवीजन कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर मैं होमवर्क के क्वेश्चंस अलग दूंगी। ठीक है, सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया कि आपके पास है 12 वर्ड्स। ठीक है, 12 बर्ड्स हैं एक ट्री पे। ठीक है, 12 बर्ड्स हैं, उसके कुछ देर बाद 4 बर्ड्स वहां से उड़ जाती हैं, फ्लू अवे। अब बेटा आपको पूरे क्वेश्चंस के में उसमें पूरा हेड वो लिखना पड़ेगा कि हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर, और उसके बाद कितनी उड़ गई। तो यहाँ पे कितनी बर्ड्स उड़ गई, 4 उड़ी, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना, ये सब्सट्रैक्शन का साइन है। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो 12 में से 4 गए, कितना बचा, हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 12 बर्ड्स बना लेंगे, हम सर्कल बना लेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हमने 12 सर्कल्स बना लिए, साइड में बना लो, रफ वर्क करके ऐसे लाइनिंग डाल लो कॉपी में, यहाँ पे ऐसे रफ वर्क करना शुरू कर दो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने 4 उड़ गई, 1, 2, 3, 4, 4 को हमने कट कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी बची, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 सर्कल्स थे ना, यानी 12 बर्ड्स, उसमें से 4 उड़ गई, 4 को हमने कट कर दिया, 1, 2, 3, 4, कट हो गई। अब हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे कितनी बची, 8। ठीक है, ऐसे आपको करनी है प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा दे देती हूँ बर्ड्स वाला, कि यहाँ पे 12 बर्ड्स, ये आप कॉपी में लिखो, 12 बर्ड्स सेट ऑन अ ट्री, आफ्टर सम टाइम, ये लिख लो आप कॉपी में क्लास वर्क डाल के, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, 4 बर्ड्स 4, मैं बोल रही हूँ, बोलते ही लिखो आप, देखो 12 बर्ड्स सेट ऑन अ ट्री। ठीक है, आफ्टर सम टाइम 4 बर्ड्स ठीक है, फ्लू अवे। ये पूरा क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे ना। ठीक है, सो हाउ मेनी बर्ड्स आर still on tree। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आप पहले लिखोगे, 12 बर्ड्स सेट ऑन अ ट्री, आफ्टर सम टाइम 4 बर्ड्स फ्लू अवे। ये पे मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, इसलिए पूरा बोर्ड पे ही आ गया, हाउ मेनी बर्ड्स आर स्टिल ऑन अ ट्री। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया, इसलिए मैंने बोल भी दिया, अगर आप नहीं लिख पा रहे तो मैं बोल दे रही हूँ, तब आप लिखो, 12 बर्ड्स सेट ऑन अ ट्री, आफ्टर सम टाइम 4 बर्ड्स फ्लू अवे, उड़ गई, हाउ मेनी बर्ड्स आर स्टिल ऑन अ ट्री। ठीक है, ये हो गया आपका। तो वही है, फिर आपको 12 लिखना है, 12 बर्ड्स, टोटल बर्ड्स आर 12। रुको, मैं आपको पूरा तरीका ही बता देती हूँ, ऐसे नहीं लिखो, पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना है, टोटल वर्ड्स या नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स
टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज 12, नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लू अवे इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, सो बर्ड्स लेफ्ट ऑन ट्री ट्री पे कितनी बर्ड्स बची, 12 - 4 = 8, ठीक है, समझ में आया, ऐसे ही आप करोगे। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, मैं दो एग्जांपल्स और दे रही हूँ घर से ताकि आप प्रैक्टिस करो और सब्स्ट्रक्शन आपका हो जाए अच्छे से, ओके। तो समझ में आया ये आपको कौन, ये समझ में आया प्रॉब्लम। अब मैं दो क्वेश्चंस लिखने जा रही हूँ बोर्ड पे, वो आपको होमवर्क में करने हैं, ओके। आपको मैंने फर्स्ट अभी एक ही क्वेश्चन लिखा है क्योंकि बोर्ड के उसमें आपको उतना ही लिख पाएगा, तो आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो। आयुषी या कोई भी नाम ले लो, आयुषी मदर बायस 12 कैरेट्स, आयुषी की माँ ने 12 कैरेट्स खरीदे, आयुषी मदर बायस 12 कैरेट्स फुल स्टॉप, शी कट, उसके बाद शी कट 10 कैरेट्स टू मेक अ डिश, एक डिश बनाने के लिए 10 कैरेट्स कट कर दिए, हाउ मेनी कैरेट्स आर नॉट कट, तो कितने कैरेट्स नहीं काटे हैं, 12 कैरेट्स वो मार्केट से लेके आए, 10 उन्होंने एक डिश बनाने के लिए कट कर दिए, तो उसके पास कितने कैरेट्स बचे जिसको उसने नहीं काटा है, आयुषी की मदर ने, ओके। सो मैं आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, आयुषी मदर बायस 12 कैरेट्स फुल स्टॉप, शी कट 10 कैरेट्स टू मेक अ डिश फुल स्टॉप, हाउ मेनी कैरेट्स आर नॉट कट, ओके, ठीक है। अब आई एम गोइंग टू राइट द सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर होम, ओके। क्वेश्चन इज दिस, रत्ना हैज 8 टॉफीज, राइट डाउन, मैं जैसे बोल रही हूँ आप लिखिए, रत्ना हैज 8 टॉफीज, जैसे मैं बोल रही हूँ, या तो पेरेंट्स जो भी आप लोग सुन रहे हैं वो आप लोग लिखेंगे क्वेश्चंस, तो भाई बच्चा लिख पाएगा तभी वो सॉल्व करेगा, ओके, क्योंकि आई डोंट थिंक सो बच्चे इतनी फास्ट लिख पाएंगे, और वीडियो में हम लोग कितना लंबा करें, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। रत्ना हैज 8 टॉफीज फुल स्टॉप, She gave two to her friend. Sheena. Friend का क्या नाम है? Sheena. How many toffees does she have now? अब उसके पास कितनी toffees है? Ratna has 8 toffees. Total उसके पास 8 toffees थी. उसने 2 अपने friends को दे दी. Sheena को friend को दे दी. अब उसके पास toffees कितनी बची है present में? ये आप solve करोगे. Simple है. Total 8 है. 2 उसने दी है, तो टोटल माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन लिखोगे, उसके साथ फिर आप स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताई है कि बर्ड्स वाले में, उसके बाद आप सॉल्व करोगे तब मेरे पास भेजोगे, ओके। ये नहीं कि आपने 8 - 2 लिख के यहाँ पे 6 लिख के भेज दिया मेरे पास, नो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, ओके। मेक अ प्रॉपर स्टेटमेंट, मेक अ प्रॉपर स्टेटमेंट का मीन्स आप कोशिश करिए कि रत्ना हैज, आप कुछ भी लिखिए, कोई स्टेटमेंट छोटी बनाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम परफेक्ट बना लेंगे, नो आप बनाइए, ट्राई करिए कि आप छोटी छोटी स्टेटमेंट्स बनाएं, फिर आप करें सॉल्व, ओके। चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अपनी क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं बेटा, ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।